दोनों ताजू तीनों भाजू गोविंद राधे, चारों को बैठा दे मन पांचो जना दे, दोनों तारू तीनों भाजू गोविंद राधे, चारों को हटा दे मन पांचो तीनों भाजू। और चार को मन से हटा दे, पांच को जला दे, तो दो कौन है जिसको त्यागना है? बहुत शॉर्ट में है दोनों, एक का नाम राग एक का नाम द्वेष। अनादिकाल से हम दुखी है, 84 लाख में घूम रहे हैं, उसका कारण बस यही दो है। या तो कहीं राग है और या तो कहीं द्वेष है, या दोनों है। और राग और द्वेष में भी प्रमुख है राग। अगर कहीं राग न हो तो द्वेष भी न होगा। द्वेष का रीजन राग है। हमारे स्वार्थ में जब कोई गड़बड़ करता है तब हम द्वेष करते हैं। अगर संसार में हम कहीं राग ही न करें, ये हमारा नहीं है, तो द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक कोई सोना सामने दिखाई पड़ा तो जिसका राग है वो दौड़ा। अब कई लोग दौड़े, उसमें जिसको मिल गया उसको सुख मिला, जिसको नहीं मिला उसको दुख मिला, जिसको मिल गया उससे किसी ने छीन लिया, अब क्रोध आ गया द्वेष आ गया। तो राग ही सबसे प्रमुख कारण है, उसी से द्वेष पैदा होता है। तो ये दो चीजें, इसको द्वंद्व कहते हैं, राग द्वेष। कहीं हमारा राग ही राग है, कहीं द्वेष ही द्वेष है, तो इन दोनों को छोड़ना होगा, क्योंकि मन एक है, दो मन नहीं है। मन को खाली करना है,
संसार में कहीं न राग करे न द्वेष। हम जिससे प्यार करते हैं उसको मन में लाते हैं, और जिससे दुश्मनी करते हैं उसको भी मन में लाते हैं। दोनों का एक फल। इसलिए गोपियों ने राग किया श्याम सुंदर में, तो उनको भी गोलोक मिला। शिशुपाल वगैरह ने द्वेष किया, तो दोनों ने मन में श्री कृष्ण को धारण किया, इसलिए दोनों को श्री कृष्ण मिल गए। और जिसने संसार को धारण किया, संसार से प्यार किया या खार किया, तो उसने संसार को धारण किया, उसको संसार मिलेगा। माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी कोई हो, जहां राग या द्वेष होगा उसको हम धारण कर रहे हैं मन में, इसलिए मरने के बाद उसी का फल मिलेगा। सयत कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिनिष्पद्यते। वेद कहता है हम जिस प्रकार की कामना करेंगे उसी प्रकार का संकल्प होगा, उसी प्रकार का कर्म होगा, और उसी प्रकार के हम बन जाएंगे। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस जिस का चिंतन मन में हो, चाहे राग से हो चाहे द्वेष से हो, तो उसी को प्राप्त होगा मरने के बाद। तो हमको चूंकि भगवान को पाना है, हम ये समझ गए हैं कि संसार में सुख नहीं है भगवान में है, इसलिए संसार को मन से हटाना है। और कहां से हटाना है? जहां राग हो जहां द्वेष हो, तो दो को तजो और तीन को भजो। वो तीन कौन है? राधा कृष्ण और गुरु। गौर तेजो बिना जस्तु श्याम तेज समर चेत। राधा कृष्ण दोनों को अपनाना होगा और केवल भगवान की उपासना से काम नहीं बनेगा। यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति राधा कृष्ण के प्रति हो वैसी ही गुरु के प्रति भी हो। तो ये तीन को भजो, दो को तजो, तीन को भजो। और तुम्हारे मन में चार बसे हुए हैं। अज्ञानियों के मन में तीन बसे हैं, तीन कामनाएं हैं, और समझदारों के हृदय में चार कामनाएं हैं। धर्म अर्थ काम, ये तीन कामनाएं तो माया के अंदर वालों में, जिनकी बुद्धि में ये है कि संसार में सुख है, इस संसार में या उस संसार में स्वर्ग में। तो धर्म अर्थ काम, ये तीन लोग तो माया के एरिया के हैं, 84 लाख में घुमाते हैं। इनको छोड़कर जो मोक्ष की ओर जाते हैं
उनको भी प्रेमानंद नहीं मिलता, तो चारों को छोड़ना है। धर्म प्रोज्जित कैतव, ये कैतव है चारों, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार कामनाएं मन से निकालना होगा। इन चार कामनाओं के कारण ही हम श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। तो चौथी तो बहुत कम होती है, मोक्ष की कामना करने वाले तो बहुत कम लोग हैं। यद्यपि सबसे खतरनाक वही है, तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, मोक्ष की इच्छा सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिसको मुक्ति हो गई, भगवान में लय हो गया, फिर वो कभी भी प्रेमानंद नहीं पा सकता। और वो हमारे संसार में चक्कर काट रहा है, उसको चांस है कभी कोई महापुरुष मिल जाए, वो महापुरुष समझ में आ जाए और उसके शरणागत होकर उसकी बताई साधना कर ले तो बात बन सकती है। तो ये चार को मन से हटाओ और पांच तुम्हारे पास कोष हैं, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी, भक्ति के द्वारा ये पांचों कोष जलेंगे। जरयत्याशुया कोषम, जैसे आप खाना खाते हैं तो जो खाना खाते हैं उसको पेट की अग्नि जला देती है और रस रक्त मांस मैदा हड्डी मज्जा बना देती है, ऐसे ही श्री कृष्ण की भक्ति करने से, वो तीन को भजने से ये पांच कोष अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये पांचों कोष जल जाएंगे। इनके लिए और कोई प्रयत्न नहीं करना है, तुम तो बस दो को तजो, तीन को भजो, चार की कामना मन से निकालो और पांच को जला दो, बस तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त